हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा में। आज के वीडियो में हम लोग एक्सेल में ग्रेड कैलकुलेट करना सीखेंगे, लेकिन दो तरीके से। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहला तरीका जो बहुत ही कॉमन तरीका है, इफ फंक्शन का इस्तेमाल करके, जबकि दूसरा तरीका होगा विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, मतलब कि VBA का इस्तेमाल करके। मतलब हम लोग मैक्रो बनाएंगे और उससे ग्रेड कैलकुलेट करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने ऊपर में इफ का सिंटैक्स लिख दिया है। ये नेस्टेड इफ का सिंटैक्स है, जिसमें कंडीशन और पहला एक्सप्रेशन, जब कंडीशन सही होता है तो एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज फिर आप इफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो मैंने सिंटैक्स लिख दिया। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि मार्क्स किस रेंज में होगा तो क्या ग्रेड होना चाहिए, तो ये चीज़ यहाँ मैंने डिस्प्ले कर दिया ताकि आप लोगों को सहूलियत हो। चलिए, तो पहले हम लोग इफ का इस्तेमाल करके ग्रेड निकालना सीखते हैं और उसके बाद VBA का इस्तेमाल करके सीखेंगे। जहाँ VBA का इस्तेमाल करके ग्रेड निकालना, ये एक प्रोफेशनल तरीका है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि VBA के इस्तेमाल करके भी जो ग्रेड निकालने का तरीका है वो आप लोगों को समझ में आए। और जो लोग हमारे चैनल से अभी भी जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे ग्रेड के लिए मैं लिख रहा हूं इफ। यहां पे ए ग्रेड के लिए दो चीजें, मार्क्स का 75 या उससे ज्यादा ज्यादा होना, लेकिन साथ ही साथ 100 या उससे कम होना। 100 से ज्यादा वाले को आप ए ग्रेड नहीं दे सकते हैं। तो यहां पे दो कंडीशन का सही होना इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए मैं एंड लगा रहा हूं। यहां पे मैं लिखता हूं कि अगर B2 का वैल्यू, B2 एक्चुअली मेरा मार्क्स कहां है, B3 में है। तो अगर B3 का वैल्यू, ये देखिए B3 लिखा मैंने, तो यहां पर यह सेलेक्ट हो गया, तो ये चीज देख ध्यान देंगे कि कोरस्पोंडिंग सेल का मार्क्स सेलेक्ट होना चाहिए। अगर B3 का वैल्यू 75 या उससे ज्यादा है और साथ ही साथ 100 या उससे कम है, तो ग्रेड ए होना चाहिए। नहीं तो अगर B3 का वैल्यू 60 या उससे ज्यादा, लेकिन साथ ही साथ 75 से कम, 75 नहीं होना चाहिए क्योंकि 75 वाला तो ऑलरेडी ए ग्रेड में चला गया, तो ग्रेड बी होना चाहिए। नहीं तो अगर B3 का वैल्यू, यहां पे ये हर जगह पे आपको यहां पे B3 लगाना है, ये मैं यहां पे फिर से एक बार लिख देता हूं कि अगर B3 का वैल्यू 75 या उससे ज्यादा, लेकिन साथ ही साथ B3 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 हो, तो ग्रेड ए दे दो। नहीं तो अगर B3 का वैल्यू 60 या उससे ज्यादा, लेकिन यहां पे आपको ध्यान देना है कि B3 का वैल्यू लेस देन 75 है, इक्वालिटी का नहीं, इक्वालिटी तो ऑलरेडी चला गया ए ग्रेड में, तो बी ग्रेड दे दो। नहीं तो अगर B3 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 45, लेकिन 60 से कम हो, तो सी ग्रेड दे दो। नहीं तो अगर B3 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 30, लेकिन साथ ही साथ लेस देन 45, तो उस केस में डी ग्रेड दे दो। और नहीं तो, चूंकि कंडीशन में एफ ग्रेड है तो मैं इफ एफ ग्रेड दे रहा हूं, और काउंट करके मैंने इफ कितना खोला, 1 2 3 4 इफ है, वो चारों को हम लोग बंद कर लेंगे। और देखिए, जैसे ही फिल हैंडल से ये हम लोग नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, या आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, तो आपको हर एक सेल में ये वैल्यू जो है यहाँ पे मिल गया। अगर अभी आप कोई चेंजिंग करते हैं इसमें, सपोज यहाँ पे आप लिख देते हैं 112 और यहाँ पे लिख देते हैं 46, तो वो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ग्रेड निकल गया। लेकिन ये जो इफ फार्मूला आपने यूज किया, ये एक बेसिक फार्मूला है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है कि अब इस फार्मूला को कोई भी एडिट कर सकता है अपने हिसाब से। उसके लिए आपको फिर इस सेल को लॉक करना होगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में, वो एक्सेल के लिंक में आपको मिल जाएगा, वहां पर मैंने बताया है। इसका एक और तरीका है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है। इस कंडीशन के मुताबिक हम लोग जो है पहले मार्क्स को रीड कर लेंगे और यहाँ ग्रेड को, जो कि BK3 से BK10 तक है। तो चलिए आइए हम लोग सीखते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल तरीका, और बहुत ध्यान से आप लोग
इस पार्ट को भी बहुत ध्यान से आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोफेशनल तरीका है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग वीबीए में ये काम करते हैं। देखिए दो तीन चीज मैं दो तीन चालाकी आप लोगों को बता रहा हूं यहां से। जैसे मैं जब मैक्रो बनाने जा रहा हूं, रिकॉर्ड मैक्रो, सपोज मैंने नाम दे दिया कैल्क कैलकुलेट ग्रेड, कैल्क ग्रेड, और यहां ओके किया, तो ये देखिए रिकॉर्डिंग इसकी चालू हो गई मैक्रो की। अब कुछ बेसिक चीज मैं कर देता हूं, जैसे इस सेल का वैल्यू जो -10 है इसको मैं -20 कर देता हूं। तो कहीं ना कहीं ये जो -20 करने का जो तरीका है, जो इसका जो इसके पीछे जो वीबीए काम करता है, स्टॉप रिकॉर्डिंग करके मैं चला आता हूं अब व्यू मैक्रोज में, और ये जो कैल्क ग्रिड है इसको एडिट करके आप देखेंगे कि वो तरीका आपके सामने आ चुका है। ये पहले से एक मैक्रो था, इसको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि आप लोगों के सामने सिर्फ एक मैक्रो, समझने में आसानी होगी। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये एक तरीका है, ये ऐसे रेंज B10 डॉट सेलेक्ट करके, और ये भी एक तरीका है कि वहां का वैल्यू चेंज हो गया। अब देखिए यहां से मैं क्या करता हूं, इसी के कोड से मैं छेड़छाड़ कर रहा हूं। डिम मार्क्स एज, मार्क्स अगर ज्यादा लंबा वेरिएबल है तो एम एज इंटीजर ले लीजिए। उसके बाद ये B10, यहां हम लोगों को सेलेक्ट क्या करना है, B3 सेलेक्ट करना है, और एक्टिव सेल का जो वैल्यू है ये हमने रख दिया M में, और बहुत ही सिंपल ढंग से हमने M को यहां पे डिस्प्ले करवा दिया MSG बॉक्स से। अब आप देखेंगे कि जब आप यहां से व्यू मैक्रो में जाएंगे और ये आप रन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 90, क्योंकि हमने B3 का वैल्यू उठाया था तो 90 आ गया। अब आप पहले ये चीज चेक कर लें कि ये आखिर तक, मतलब कि B10 तक सारा वैल्यू 1x1 उठा रहा है कि नहीं। उसके लिए लूप चलाना होगा, तो बहुत आसान सा चीज है, बहुत ध्यान से देखेंगे। लूप चलाना है 3 से 10 तक, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं R एज इंटीजर, और यहां पे मैं लूप चला देता हूं फोर आर इज इक्वल टू 3 to 10, जो कि फोर लूप नेक्स्ट से बंद होता है, ये नेक्स्ट से बंद हो जाएगा। और यहां पे मैं सेलेक्ट करता हूं B प्लस, अब यहां पे अगर आप ऐसे R दे देंगे ना तो ये डेटा टाइप मिसमैच का एक एरर मैसेज देगा, क्योंकि B अपने आप में स्ट्रिंग है जबकि R एक इंटीजर है, तो आपको इस इंटीजर को str फंक्शन लगा के स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन जब कोई इंटीजर स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है तो अपने आगे पीछे का स्पेस वो ले लेता है, तो ट्रिम फंक्शन लगा के मैं यहां पे आगे पीछे का स्पेस भी हटा दे रहा हूं। अब ये 3 to 10 चलेगा, आप देखिए। अब आप यहां से, जब आप यहां से व्यू मैक्रो में जाएंगे और इसको रन करवाएंगे तो देखिए पहली बार B3 का वैल्यू आया, अगले बार B4 का आया, एंड सो ऑन। देखते हैं वो कहां तक चलता है, 10 तक ही चलेगा, बिल्कुल चल रहा है। तो ये मैंने आपको वीबीए के थ्रू बता दिया कि कैसे आप एक एक सेल का वैल्यू किसी खास रेंज में कैसे आप उठा सकते हैं। देखिए तो ये तो चलिए आपका ये आपको वैल्यू उठाने आ गया। अब आपको क्या करना है, अब यहीं पे आपको फॉर्मूला लगाना है। यहां पे अब आपको देखना है कि अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है एंड m का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है, देन क्या करो भाई। देन अब यहां आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, आपको सेलेक्ट करना होगा आपका जो फॉर्मूला है, आप यहां देखिए यहां जो ग्रेड का जो आपका है वो D3 से शुरू होता है, तो अब वो D3 वाला आपको सेल सेलेक्ट करना होगा और वहां पुट करना होगा इसके वैल्यू को। तो ये बार बार हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि एक यहां पे वेरिएबल ले लेते हैं जी एज स्ट्रिंग, और अगर ऐसा है तो हम लोग जी में रख देते हैं क्या ग्रेड था, ए ग्रेड था। नहीं तो अगर एम का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है बट एम का वैल्यू लेस देन 75 है, देन हम लोग क्या करते हैं, ये एलसीएफ के बीच में स्पेस नहीं होगा, देन हम लोग यहां पे लिखते हैं जी इक्वल्स बी। नहीं तो अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 45 होगा एंड m का वैल्यू लेस देन 60 होगा, देन
जी इक्वल्स हम लोग लिख देते हैं ग्रेड सी। नहीं तो अगर एम का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होगा एंड एम का वैल्यू लेस देन 45 होगा देन जी इक्वल्स डी, और नहीं तो जी इक्वल्स एफ, और ये आपका एनडीएफ बंद हो गया। ये जो है ये आपका एक ब्लॉक आपने लिख दिया, ये कंडीशनल ब्लॉक हो गया, ये आपका बिल्कुल अलग कैलकुलेशन के लिए हो गया। अब यहाँ पे आप जो आपका जिस सेल में आपको रेंज रख ग्रेड रखना है वो सेल क्या है आपका डी, डी कॉलम है और रो तो वही होगा, कॉरस्पॉन्डिंग होगा रो, तो उस सेल में आप वैल्यू कर देते हैं पुट जी का। अब देखिए जब आप इसको यहाँ से रन करवाएंगे व्यू मैक्रो, और यहाँ से इसको आप जब रन करवाएंगे तो देखिए ये आपका ग्रेड निकल गया बिल्कुल आसानी से, और इसके ऐसा यहाँ पे कोई इस ढंग का चीज़ नहीं कि फार्मूला यहाँ दिख रहा है कोई आप कोई फार्मूला कोई एडिट कर देगा या आप भी गलती से एडिट कर लेंगे, यहाँ तो बिल्कुल वैल्यू ही कैलकुलेट होके आया है। तो इस ढंग से आपने फार्मूला भी लिख दिया वीबीए के थ्रू और उसके पीछे के लॉजिक को आपने छिपा भी लिया। तो अगर ये वीडियो आप लोगों की को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें, और फर्दर जिस भी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बना सकूं। और जो लोग भी हमारे चैनल से बिल्कुल अभी अभी जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहले पहुंचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।